नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। आइए चलते हैं खबर की ओर। शहडोल जिले के जनपद पंचायत गुढ़ार के पखरिया सेक्टर में लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजन में सेक्टर के 5 से ज्यादा पंचायतों के ग्रामीणों ने अपनी तमाम समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया और उन समस्याओं के निराकरण भी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि पेंशन, राजस्व जैसे विभिन्न समस्याओं के साथ शासन की जन कल्याणकारी जैसी तमाम योजनाओं के निराकरण के लिए इस शिविर का ही आयोजन किया गया है, जो आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान सेक्टर के मौजूद कई ग्रामीणों में सेक्टर में पदस्थ उपयंत्री अंशदी चौहान की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें हटाने की मांग भी की गई। ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कहा, इंजीनियर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है, ना सही समय पर कार्यों का मूल्यांकन हो पाता है और ना ही भुगतान। ऐसे में उनका सेक्टर से स्थानांतरण कर देना ही सही है। और उस हिसाब से आप बताइए कि इस तरह की जो लोक कल्याण शिविर हैं उससे आम जन को कितनी राहत मिलेगी? इसमें तो चूंकि ये उनके गांव में ये शिविर लगाया जा रहा है, लोक कल्याण शिविर, मैं तो समझता हूँ कि माने इसमें 90% लोगों को मिलना चाहिए जो छूटे हुए हैं, अभी तक जिनको लाभ नहीं मिल पाया है। चूँकि अब हम उनके गाँव में अगर जाके ये सुविधा दिला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि मतलब 90% लोगों को मिलना चाहिए। गांव में विकास में कई अधिकारी जो हैं वो बाधा बन के आ रहे हैं, ऐसा जनप्रतिनिधियों का कहना। आप भी जनप्रतिनिधि हैं जी, इस मामले को आप कहां तक लेके जाएंगे? नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, आपके सामने तो सवाल। चूँकि अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो उसका निराकरण के लिए बहुत रास्ते हैं, उसको अपन जनपद लेवल या जिला लेवल मिले जा करके उस समस्या को समाधान कराया जा सकता है। कोई ऐसा समस्या नहीं है कि उसका कहीं समाधान ना हो। समाधान करने के लिए हर स्तर पर उसको जो है ले जाया जा सकता है। उस समस्या का समाधान होता भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है। आयोजन हुआ है, ये क्या है पूरा शिविर और किस तरह की समस्याओं को लेकर इस शिविर का आयोजन हुआ है? लोक कल्याण शिविर, ये उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार आपके साथ, इस भाव को लेकर के ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और ये शिविर हमारे पूरे सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हितग्राही मूलक योजना है प्रमुखता से, वो कोई भी पात्र व्यक्ति उससे वंचित ना रहे। तो इस तरह से हम हर ग्राम पंचायतों में शासन की मंशा के अनुरूप जिला कलेक्टर महोदय, सीओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में हम लोग ये शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसमें ग्राम स्तर के और क्षेत्र स्तर के सभी विकास खंड स्तरीय अधिकारी यहाँ पे रहते हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में हम लोग ऐसे जो कि वंचित रह गए हैं, जिनको योजना की पात्रता रखते हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं और उनको त्वरित लाभ देने का काम करते हैं इसी वे में। अभी तक कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके सामने आई हैं और आपने उन समस्याओं को शिविर के माध्यम से दूर? हाँ, अभी आज यहाँ पे चूँकि शुरुआत है शिविर का, आज यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित समस्याएं आई हैं और कुछ अपने खाद्यान्न नहीं मिलने से संबंधित शिकायतें यहाँ पे आई हैं और आपका जो रेवेन्यू राजस्व विभाग से संबंधित कुछ शिकायतें आई हैं कि हमको जो है हमारा बंटवारा नहीं हुआ है, नामांतरण नहीं हुआ है, उससे संबंधित है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको BPL में नाम जुड़ाना चाहते हैं, वो समस्याएं आई हैं। तो इस तरह की प्रमुख समस्याएं आई हैं। कुछ डिमांड भी आई हैं कि हमको जो है यहाँ पे रोड बनना चाहिए, हमारा आवास बनना चाहिए और हमको रोजगार का साधन मिलना चाहिए, इस तरह की भी समस्याएं आई हैं यहाँ पे। सर, एक सवाल और भी है कि यहाँ कुछ पंचायत प्रतिनिधि थे जिनकी बाइट है हमारे पास, उन लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पदस्थ सब इंजीनियर हैं सुश्री अंजलि चौहान जी, उनकी कार्य प्रणाली से काफ़ी असंतोष है और कार्य प्रभावित हो रहा है, विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से हमारे पास भी वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, अन्य पदाधिकारीगण हैं, ये शिकायत हमारे पास भी लाए थे। हमारे माननीय विधायक जी भी यहाँ पे आई हुई थी, उनके समक्ष भी ये शिकायत उन्होंने कहा है कि काम हमारे प्रभावित हो रहे हैं, उपयंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग उसकी परीक्षण करते हैं और जो भी उचित निर्णय होगा, निराकरण होगा, हम कराएंगे और गांव का विकास किसी भी प्रकार का प्रभावित ना हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आगामी शिविर की क्या योजना है, कैसे ये अभी हम लोग आज शिविर लगा रहे हैं, इसके 15 दिवस बाद पुनः हम इस स्थान पर आएंगे, इसी तरह के सभी लोग यहाँ पे आएंगे और वो लोग जो हम लोगों ने आज आवेदन जितने मिले थे उसका क्या निराकरण हमने किया है, इसी तरह से हम आम लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे।